आंखों में डॉन नहीं लगता। नो, मुझे आप किसी भी एंगल से डॉन नहीं दिखते। आंखों भाई, सबसे बड़ा बंदूक। इसमें से लाइटर निकलेगा ऐसे, मुझे पता है। आपके बीड़ी पीते हो क्या? ची, इट्स नॉट गुड। इल्ले रियल की गन होती है। चुप कर संजुला, कितना डराएगी। मुझे पता है लाइटर है, लाइटर ही है। चलिए ना यहाँ से, मुझे लग जाएगा। नहीं डरूंगी मैं। रिस्क मत लीजिए शाकी दादी। आप मिस ब्यूटीफुल चिल, कुछ नहीं होगा मुझे। शाकी दादी ऐसा मत कीजिए। जोया डार्लिंग, बिलीव मी, तुमको तो पता है मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। हे यू, आप चलाइए गोली, मैं ऐसे खड़े हूँ यहाँ पे। लाइटर नहीं होता वो, असल का गन होता, डिस्कैम चलता। संजू लाओ अपने आप को ना। सॉरी सॉरी। भाग जाओ। अप्पा संजुला कम विद मी। इनसे अच्छी तो वो छुड़ैल थी, बस डराती थी। ये तो सीधे बोला था ना मैंने, आगे बच्चा ये अगर लग जाती तो। सदमा, सदमा लग गया बुढ़िया को। बच के रहना पड़ेगा अब। और नहीं तो क्या, दिमाग मेरा पूरा हिल गया। सुमित्रा थोड़ी देर में मैं मीटिंग रख रही हूँ, अर्जेंट आना। हाँ शशि बहन को बोल देना। ठीक है आती हूँ मैं, ये रख के आती हूँ। खाती हो तुम बहुत। सदमा क्या जरूरत थी ये सब करने का? सदमा ससुमा। ए! क्या हुआ? कैसे घटिया आवाज निकल रही है तू? मैं तो नॉर्मली बोल रही हूँ, आपको अलग सुनाई देने लगा? ए? मुझे क्या हो गया? आओ सुमित्रा। निर्मला बहन, शशि बहन आओ। भर गया मैनर्स लेसन का क्लास, जा रही हूँ मैं। श्रेया की दादी अपने आप को क्या समझती है पता नहीं। जाने दो उनको, हम हमारी मीटिंग चालू करते हैं। बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है सोसाइटी में सुबह। अब भी मेरे कानों में गोली की आवाज बज रही है। डिस्काउंट देखो, साफ सीधी बात है, सोसाइटी में बंदूक चली है। हमें सीधा जाना चाहिए पुलिस स्टेशन। ऐसा कोई बंदूक चला सकता है, वो भी सुबह सुबह? मैं तो ऊपर ही खड़ी थी, अगर किसी को लग जाती तो। शशि बहन ने बराबर कहा। शशि बहन, हम ऐसे पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते, हमें पता नहीं उनकी पहुंच कहां तक है। हाँ मैंने भी सुना है, ऐसे लोगों की ना ऐसी बहुत बड़ी गैंग होती है, 100-200 लोगों की। अगर सबने मिलकर हम पे अटैक कर दिया तो क्या रहेगा हमारा? नहीं नहीं, मैंने तो सुना है ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं, हमें बच के ही रहना पड़ेगा सोसाइटी में। सबसे पहले हमें हमारे पतियों को ये बात बतानी चाहिए, उनको कुछ नहीं पता इसके बारे में। क्या पता वो कोई पंगा खड़ा कर दे। हाँ श्रेया की पापा को तो बहुत आदत है आगे पीछे कराने की। सुमित्रा क्या कहना चाहती हो तुम? नहीं मैंने देखा है वो कैसे शर्वरी जी जोया जी के आगे पीछे करते हैं, इसलिए मैंने कहा। अच्छा सुशील भाई भी बहुत आगे पीछे करते हैं, उनकी वजह से तो वो फारन की बारबी डॉल आ गई थी। क्यों शशि बहन? जेन्नी जेन्नी बहुत खास दोस्त थी उनकी। क्या कहना चाहती हो तुम? सबको सब पता है सुमित्रा, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अनुष्का के पापा का तो कुछ नहीं था, उनका सब खुलेआम है। तो श्रेया के पापा का भी सब खुलेआम है? हाँ हम भी देखते हैं कितना खुलेआम है, सीढ़ियों के ऊपर बातें करते रहते हैं बस। सुमित्रा
गले इतने घट्टे नहीं है। तो इसको देखो ना, कुछ भी आरोप क्या लगा रहे श्रेया के पापा के ऊपर? आरोप का क्या है, श्रेया के पापा करते ही आगे पीछे, इसलिए मैंने कहा। ए चंद्री, आगे पीछे नहीं करता वो, सबकी हेल्प करता है, लोगों की नल ठीक करता है, क्या क्या करता है। अच्छी बात है, मैं वही बोल रही हूँ, इतना झटका क्यों आ रहा है सबको? सबने देखा सुमित्रा, तुम किस तरीके से बोल रही थी, हम के दूध खुले हैं। तरीके का क्या है, मेरा वैसा नजरिया ही नहीं था। तुम बहुत गलत नजरिया ले रही हो, मैंने अच्छी तरीके से ही कहा था। चुप कर, बड़ी आई दूध की धूली, ब्रांडेड परी, काय की परी। बस इधर सोसाइटी में बंदूक चली है, हम क्या आपस में लड़ रहे हैं? साफ सीधी बात है, हमें संजुला से ज्यादा कनेक्शन ही नहीं रखना। अभी एक वही रास्ता है, उनसे कोई कनेक्शन ही नहीं रखना। वो आए भी ना, तब थोड़ी सी बात करने का, ज्यादा कुछ नहीं बोलने का, उसका अप्पा आके गोली मार देगा हमें। मैं तो सबको अच्छे से हंसी खुशी देखना चाहती हूँ, फिर भी मेरे ऊपर गोली चले। आने दो प्रवीण के पापा को, फिर दिखाती हूँ मैं उसको। पता नहीं ये परेशानी क्यों आ गई सोसाइटी में। अब तक बहुत परेशानियों का सामना किया है सोसाइटी ने, अब ये जो अप्पा की परेशानी आ गई है, इसका भी मिलकर सामना करेंगे। तुम तीनों बस अपना मुंह बंद रखो, सारी सोसाइटी की परेशानी खत्म हो जाएगी। हमरा जिया धड़के, हमरा तन मन उलाला उलाला, सोमू है उलाला। सुशो यार, सोमो मैं तुमको वार्निंग देने आई हूँ। बोलो ना डियर, क्या बात है? ये देखो सोसाइटी में नई पड़ोसन आई है। सोसाइटी में न्यू पड़ोसन, कौन है वो? सोशो, अरे सुमित्रा कहाँ ही इतना जोर जोर से चिल्ला रही है, सुबह हुई नहीं की तरह मुंह चुल हो जाते। आप चुप बैठी है, आपसे कोई बात नहीं कर रहा। कहा बोली? आप चुप बैठी है, मैंने कहा पति पत्नी के बीच का मामला है ये। ये जो तुम्हारा पति है ना, जिसके बाल मुर्गे जैसे है, हमारा बिटवा है वो। मम्मी इसे स्पाई कट कहते हैं, मुर्गा नहीं। चुप कर, पीठ पे दूंगी धा जाए, सारा उड़ जाएगा तेरा स्पाई। सुमो तुम बोलो, क्या बोलना चाहती हो? ये देखो सुशो, वो संजुला नाम की लड़की आई है, उसके बिल्कुल आगे पीछे नहीं करने का। क्यों, नई पड़ोसन है, हम सबको मिल के उनका स्वागत करना चाहिए। उसका पापा डॉन है बहुत बड़ा। ओह नो। हाँ, सुबह ही सोसाइटी में हमला किया उसने, हम में से कोई भी उससे बात नहीं करेगा। बस आगे से अगर वो कुछ बोलती है ना, उसका जवाब देने का, उससे बिल्कुल बात नहीं करने का। वो ऐसा सोसाइटी में है, ऐसा मानने का ही नहीं। ओके सोमो, जैसा तुम कहो, क्योंकि अंत में तो तुम ही मेरी उलाला डार्लिंग हो। आप भी जरा ध्यान रखिएगा। इग्नोर।